आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सांभर। चलिए शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने ये कुकर चढ़ाया है, इसे मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें अब हम डालेंगे जीरा, एक चम्मच हम जीरा ले रहे हैं। यहाँ हम थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम सरसों दाना, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और ये थोड़े से हम चना की दाल लिए हैं, अरे वो सॉरी दोस्तों, ये उड़द दाल है, अब इसको डालेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अब प्याज डालेंगे। ये मैंने मीडियम साइज की दो प्याज काटा है, बारीक कटी हुई है, अब इनको बढ़िया से चला लेंगे। यहाँ पर थोड़ी हरी मिर्च मैंने ऐसे काटा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं सांभर बनाने के लिए जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिया है, इसको भी डालेंगे। अब इनको बढ़िया से हल्का गोल्डन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल हल्का ही करना है। प्याज हमारी हल्की गोल्डन हो गई है, अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये मसाला मैंने घर में बनाया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे काश्मीरी मिर्च, जिसमें लाल पाउडर है, काश्मीरी मिर्च का लाल पाउडर। यहाँ पर थोड़ी से हल्दी डालेंगे और थोड़ा से हम नमक डालेंगे यहाँ पर, ताकि मसाले हमारे बढ़िया से पक जाएं। नमक से बढ़िया से पक जाते हैं। और गैस को एकदम हम धीमा रखे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा से पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे बढ़िया सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, इसको भी बढ़िया से पका लेंगे। इसी के साथ हम सब्जियाँ डाल देते हैं ताकि सब साथ साथ हो जाएगा। ये मैंने बारीक कटे हुए थोड़े से सब्जी लिया है, मैंने बैंगन लिया है, ये राम करेला है, आप अपने पसंद की सब्जी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये दाल लिया है, दाल अरहर की है, इसको मैंने थोड़ी देर तक भिगोया था, अब इसको भी इसी में डाल देते हैं। अब बढ़िया से सभी चीज़ों को बढ़िया से भून लेते हैं। इसी साथ साथ सभी चीज़ें पक जाएंगी। हमने सभी सब्जियों को बढ़िया से भून लिया है, इसमें दाल भी है, एकदम परफेक्ट ही भुंजा गई है, देखिए कुछ ऐसे हो गई है। अब इसमें हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे जितना हमको पसंद है, ये देखिए गाढ़ा आप पसंद करते हैं तो थोड़ा कम पानी डालिए, अगर पतला सांभर पसंद करते हैं तो थोड़ा से पतला ही कर दीजिए, पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। अब इसमें हम लगभग 2-3 सीटी लगाएंगे, 3 सीटी में बढ़िया से पक जाएगा। थोड़ा से पानी और डाल देते हैं, अब इसको बढ़िया से ढक देंगे। लीजिए सांभर हमारा रेडी हो चुका है, हमने एकदम सरल तरीके से बनाया, बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम नज़दीक से बहुत अच्छा सांभर बना है। अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।